अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम ऑपरेटिंग सिस्टम में विजुअल मेमोरी के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विजुअल मेमोरी इज अ स्पेस वेयर लार्ज प्रोग्राम्स कैन स्टोर देमसेल्फ इन फॉर्म ऑफ पेजेस व्हाइल देयर एग्जीक्यूशन। बेसिकली ये एक टेक्निक है जिसके तहत जो साइज में बड़े प्रोग्राम्स होते हैं वो अपने आप को सेकेंडरी स्टोरेज में ही स्टोर करते हैं और ओनली द रिक्वायर्ड पेजेस और पोर्शन ऑफ द प्रोसेस आर लोडेड इनटू द मेन मेमोरी। और रैम में सिर्फ वही पोर्शन या पेजेस को लोड किया जाता है जिन्हें सिस्टम में एग्जीक्यूट करना होता है। फॉर एग्जांपल, किसी प्रोग्राम के 10 पेजेस हैं और उनमें से सिर्फ अभी 2 को जो है सिस्टम एग्जीक्यूट कर रहा है, तो ओनली वही 10 में से सिर्फ 2 पेजेस जो हैं वो मेन मेमोरी में लोड किए जाएंगे। बाकी प्रोग्राम अपने आप को विर्चुअल स्पेस जो कि आपकी सेकेंडरी स्टोरेज या हार्ड डिस्क का एरिया होता है उसी में स्टोर करता है। इसको एक एग्जांपल के थ्रू अंडरस्टैंड करते हैं कि विर्चुअल मेमोरी की हमें ज़रूरत क्या है। फॉर एग्जांपल, इन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसा सिनेरियो हो सकता है कि प्रोग्राम का साइज रैम के साइज से बड़ा हो, तो हम पूरा प्रोग्राम रैम में लोड नहीं कर सकते। और ये बात भी माइंड में रखने की है कि रैम में इन मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम एट अ टाइम मोर देन 1 प्रोग्राम होते हैं जिन्हें सीपीयू एग्जीक्यूट कर रहा होता है। फॉर एग्जांपल, प्रोग्राम का साइज 3GB है एंड रैम का साइज 2GB है, तो पूरा प्रोग्राम जो है लोड नहीं किया जा सकता मेन मेमोरी में। तो हम उसका ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, सिर्फ वही पोर्शन रैम में लोड करता है जो कि करंटली एग्जीक्यूशन कर रहा होता है, यानी जिसे सीपीयू करंटली एग्जीक्यूट कर रहा होता है। तो 1 by 1 सारे पेजेस को रैम में लोड किया जाता है और सिस्टम को फिर ये ज़रूरत नहीं होती कि वो प्रोग्राम को कम्प्लीटली रैम में लोड करे, और जिस पोर्शन की ज़रूरत होती है उसे रैम में स्वैप कर लिया जाता है। वर्चुअल मेमोरी को इम्प्लीमेंट किया जाता है थ्रू डिमांड पेजिंग। यानी वर्चुअल मेमोरी बेसिकली एक तकनीक है जिसे डिमांड पेजिंग के थ्रू इम्प्लीमेंट किया जाता है। डिमांड पेजिंग क्या है? द बेसिक आइडिया बिहाइंड डिमांड पेजिंग इज दैट व्हेन अ प्रोसेस इज स्वैप्ड इन, इट्स पेजेस आर नॉट स्वैप्ड इन ऑल एट वंस। यानी जब भी कोई प्रोग्राम सेकेंडरी स्टोरेज से मेन मेमोरी में स्वैप्ड इन किया जाता है तो उसके सारे पेजेस जो हैं वो स्वैप्ड इन नहीं किए जाते। हमें ये तो बात पता है कि सेकेंडरी स्टोरेज में जो हमारा वर्चुअल एरिया है उसमें जो प्रोसेस होंगे वो इन फॉर्म ऑफ पेजेस होंगे, यानी प्रोसेस को डिफरेंट पेजेस में डिवाइड कर दिया जाता है बेस्ड ऑन देयर प्रोग्राम। फॉर एग्जांपल, सिमिलर फंक्शनैलिटी एक पेज में आ गई तो इस तरह डिफरेंट मॉड्यूल्स या पेजेस में उनको डिवाइड कर लिया जाता है, और मेन मेमोरी यानी कि रैम को भी डिफरेंट इक्वल साइज पार्टीशन में डिवाइड कर लिया जाता है जिसे हम फ्रेम कहते हैं। ये कॉन्सेप्ट वी हैव ऑलरेडी कवर्ड इन पेजिंग। रादर दे आर स्वैप्ड इन ओनली व्हेन द प्रोसेस नीडेड देम ऑन डिमांड। तो डिमांड पेजिंग क्या है कि सिर्फ जिस पेज की सीपीयू डिमांड करे या जो पेज सीपीयू को रिक्वायर्ड हो उसे ही स्वैप्ड इन किया जाए। इसे एक एग्जांपल के थ्रू अंडरस्टैंड करते हैं। फॉर एग्जांपल, सेकेंडरी मेमोरी में डिफरेंट प्रोसेस हैं, प्रोसेस ए, बी एंड सी इन द फॉर्म ऑफ पेजेस इन द वर्चुअल स्पेस, इन वर्चुअल स्पेस में अपने पेजेस के फॉर्म में है, और मेन मेमोरी जो है वो डिफरेंट फ्रेम्स में डिवाइडेड होती है, और इन्हीं फ्रेम का साइज इन पेजेस के साइज के बराबर होता है यानी इक्वल होता है, और जिस पेज को सीपीयू ने एग्जीक्यूट करना हो उन्हीं पेजेस को लोड किया जाता है। और मेन मेमोरी में मोर देन 1 प्रोग्राम हो सकते हैं, तो इस वजह से कई प्रोग्राम्स के डिफरेंट पेजेस को मेन मेमोरी में लोड किया जाता है। लोडिंग के प्रोसेस को हम स्वैप इन कहते हैं, और मेन मेमोरी से कुछ प्रोसेस या कुछ फ्रेम जो हैं फ्री होते हैं और उन पेजेस को दोबारा सेकेंडरी स्टोरेज में भेज दिया जाता है जिसे हम स्वैप आउट कहते हैं। मेन मेमोरी में जो पेजेस एक्टिव होते हैं उन्हें वर्क सेट कहते हैं। तो इस तरह से सीपीयू मेन मेमोरी की मैनेजमेंट करता है। बट सम टाइम एक प्रॉब्लम डिमांड पेजिंग में भी अकर हो सकता है। फॉर एग्जांपल, सीपीयू करंटली प्रोसेस ए के पेज 2 को एग्जीक्यूट कर रहा है। पेज 2 पे एक ऐसा रेफरेंस था जो कि पेज 3 को जिसने कॉल किया, बट पेज 3 जो था वो मेन मेमोरी में लोड नहीं था, स्वैप इन नहीं था। तो जब सीपीयू किसी ऐसे पेज को रेफरेंस करता है या एड्रेस को रेफरेंस करता है जो कि मेन मेमोरी में स्वैप नहीं है, स्वैप इन नहीं है या लोडेड नहीं है, तो इसे हम कहते हैं पेज फॉल्ट अकर हुआ है। तो जब पेज फॉल्ट अकर होता है तो सीपीयू रिक्वेस्ट करता है ऑपरेटिंग सिस्टम को
कि वो रिक्वायर्ड फ्रेम में, यानी रिक्वायर्ड पेज को फ्रेम में लोड करे। तो अगर तो मेन मेमोरी में कोई फ्री स्पेस नहीं है तो पेज जो है वो लोड करने के लिए हमें नेक्स्ट किसी पेज को वहाँ से रिमूव करना पड़ेगा। अगर फ्री स्पेस है तो ऑपरेटिंग सिस्टम उसी फ्रेम में उस पेज को लोड कर लेगा। लेकिन अगर फ्री स्पेस ना हो तो उसके लिए क्या सोल्यूशन है? उसका सोल्यूशन है पेज रिप्लेसमेंट। तो पेज रिप्लेसमेंट के तहत ऑपरेटिंग सिस्टम चेक करता है किसी ऐसे फ्रेम को जो कि करंटली यूज़ नहीं हो रहा। फॉर एग्जाम्पल C1B6 जो है वो अभी यूज़ नहीं हो रहे। टू द फ्री पेज नाउ कैन बी यूज टू होल्ड द प्रोग्राम विच द प्रोग्राम फॉल्टेड। तो CPU ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, इन फ्रेम्स को फ्री करेगा, यानी इन पेजेस को स्वैप आउट कर देगा सेकेंडरी मेमोरी में और रिक्वायर्ड पेज A3 को स्वैप इन कर देगा। इसे डिटेल में समझने के लिए एक एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल CPU ने किसी ऐसे पेज का रेफरेंस दिया जो कि पेज टेबल में मौजूद नहीं, तो सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, उसे फाइंड कर देगा इंटरनली पेज टेबल में, क्या वो पेज टेबल में नहीं है। अगर वो पेज टेबल में नहीं है तो देखेगा कि मेन मेमोरी में कोई फ्रेम फ्री है। अगर फ्रेम फ्री है तो उसे वर्चुअल स्पेस से मेन मेमोरी में उस पेज को लोड कर दिया जाएगा। अगर कोई फ्रेम फ्री नहीं है तो ऑपरेटिंग सिस्टम ये देखेगा कि कौन सा फ्रेम रिसेंटली यूज़ नहीं हो रहा। तो अगर कोई ऐसा फ्रेम जो कि रिसेंटली यूज़ नहीं हो रहा उसे स्वैप आउट कर देगा और रिक्वायर्ड पेज को मेन मेमोरी में लोड कर देगा। पेज रिप्लेसमेंट के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम डिफरेंट पॉलिसीज यानी एल्गोरिदम को यूज़ करता है जिसे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट में ज़रूर पूछें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।